संसद में आज क्या करने वाली है बीजेपी? व्हिप जारी करने से बड़ी अटकलें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने व्हिप जारी करने से कहा कि सांसद अनिवार्य रूप से सदन में मंगलवार को मौजूद रहें। बीजेपी ने कहा कि सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सांसदों को सदन में रहना अनिवार्य है। क्या होता है व्हिप? राजनीतिक पार्टियां व्हिप किसी महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा, सदन में किसी बिल पर वोटिंग या बहस करने के लिए जारी करती हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी 3 लाइन का व्हिप जारी कर रही है तो इसका मतलब यह होता है कि हर हाल में सदस्यों को सदन में मौजूद ही रहना होगा। अगर कोई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी राज्यसभा में कोई विधेयक पेश कर सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि मंगलवार को जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, वहीं यह बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन भी है। वैसे मंगलवार को शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर उठाए गए सवालों का जवाब भी देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। मंगलवार को सभी राज्यसभा सांसदों को अनिवार्य रूप से संसद में मौजूद रहना होगा। 45 विधेयक पास करना तलाश। अटकलें इसलिए भी तेज हैं क्योंकि इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही सरकार बता चुकी है कि उसका लक्ष्य 45 विधेयक पास कराना है, मगर पहले चरण के आखिरी दिन यानी कि 11 फरवरी को सरकार कौन सा विधेयक पेश करेगी, इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है। पार्टी के ही लोगों को इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है।